आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 ही। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पद भाष्य तो पूरा हो चुका है, वाक्य भाष्य पे हम लोग विचार करना आरंभ किए हैं। क्या कल अवतरण भी हो गया और प्रथम जो मंत्र था केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रतियुक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो ये वाक्य भाष्य में इसकी व्याख्या करना आरंभ किए थे कि किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता है, किसकी इच्छा से प्राण जो है सबसे पहले प्राण से घ्राण लेना, केना प्राण प्रथम प्रतियुक्त किसकी प्रेरणा से प्राण जो है सबसे पहले वो जाता है विषयों में, और किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के यह वाणी बोलती है, और चक्षु और श्रोत्र को कौन सा देवता स्वयं प्रकाश आत्मा नियुक्त करता है, इसकी व्याख्या आरंभ कर दिए थे। तो पेज नंबर 15 पे आया था कि कस केन इष्टम यानी कस इच्छा मात्रेण मन पतति गच्छति स्व विषय, किसकी इच्छा मात्र से मन अपने विषयों में जाता है, मतलब नियमेन व्याप्रियते, नियमित रूप से व्यापृत होता है, व्यापार करता है। तो मनुते अनेन 15 पेज पे पांचवी पंक्ति भाष्य मनुते अनेन इति विज्ञान निमित्तम अंतःकरणम मन, जिसके द्वारा मनन करते हैं। तो विज्ञान का निमित्त जो अंतःकरण है वही मन शब्द का वाच्य है। प्रेषितम इव इति उपमार्थ, प्रेषित भेजा जाता हुआ, जैसे नौकर आदि को भेज देते, इसी के समान ये उपमा के लिए दिया गया। प्रेषितम इव इति उपमार्थ, जैसे उपमा प्रेषित, जैसे प्रेषित शब्द से उपमा दे दी गई, जैसे नौकर को भेज देते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को भेज देते हैं, ऐसे किसका इच्छा से प्रेरित होकर के, सन्निधि मात्र से प्रेरित होकर के मन विषयों में जा रहा है। वास्तव में तो भेजना, भेज रहा है आत्मा अथवा इच्छा कर रहा है आत्मा, इसमें तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विशेष है। न त्वीषित प्रेषित शब्दयोर अर्थाविह संभवतः, यहाँ पे इस प्रकरण में ईषित और प्रेषित इन दोनों शब्दों का अर्थ संभव नहीं है, मुख्य अर्थ संभव नहीं है, इसलिए उपमा एक प्रकार से दी जा रही। नए शिष्यानि वो मना आदिनि विषयेभ्य प्रेषयति आत्मा, जैसे शिष्य को गुरु भेज देते हैं, स्वामी नौकर को भेज देता है, ऐसा ही मन आत्मा मन आदि को, मन आदि इंद्रियों को विषयों की तरफ भेज देता है, ऐसा तो हो नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि वो निर्विशेष है ना, उसमें कोई प्रेरणा अथवा इच्छा ये सब वास्तविक बन नहीं सकता, मतलब इच्छा बन नहीं सकता, कोई प्रेरणा जो है उपाधि को लेकर के, वो उसकी सन्निधि मात्र से वो जो है कार्य कर, जैसे सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर सभी प्राणी अपनी अपनी क्रिया को करने लगते हैं, सभी जाग जाते, बिस्तर छोड़ देते, अपनी अपनी क्रिया को करने लगते हैं,
उसकी सूर्य के आने मात्र से सब में जो क्रिया हो गई, यही है सूर्य की प्रेरणा। और सूर्य की क्या प्रेरणा लोगे, दूसरी कोई प्रेरणा नहीं, उसकी सन्निधि मात्र से ही सभी प्राणी अपने अपने कर्मों को करने लगे, यही प्रेरणा होगी। तो शिष्यादि शिष्यों के समान है ना, मन आदि को नहीं भेजता है ना, केवल निमित्त मात्र बनता है। विविक्त नित्य चित्त स्वरूप तया तो, विविक्त यानी पृथक जो शरीर आदि से जो पृथक है, नित्य चित्त स्वरूप तया, नित्य चैतन्य स्वरूप होने से तू निमित्त मात्रम प्रवृत्तो, मन आदि की प्रवृत्ति वह निमित्त मात्र है, नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्री बन। जैसे नित्य चिकित्सा का अधिष्ठाता, नित्य चिकित्सा मतलब क्षुधा भोजन, भूख लगती है ना, क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम। ये साधन पंचक में श्लोक आया है, क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम। ये सन्यासी के लिए बताए कि क्षुधा रूपी ये जो व्याधि है, ये भी एक बीमारी है, रोज रोज हो रही है, इसकी चिकित्सा करो। कैस किसके द्वारा, कौन सी औषधि से, भिक्षा औषधम, भिक्षा रूपी औषध को का सेवन करके इसकी चिकित्सा करो। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, स्वादु अन्न को मत चाहो, विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट हो जाओ। ते नित्य चिकित्सा मतलब क्षुधा, उसका अधिष्ठाता, उसके अधिष्ठाता के समान। उसका अधिष्ठाता कौन है, उसका नियामक कौन है, देखो प्राचीन काल में राजा लोग, राजाओं के तो बहुत शत्रु होते थे, कोई विष मिला दिया, विष मिला देगा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, इसलिए राजा लोग इस तरह से व्यवस्था रखते थे। आज भी आजकल भी वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनका जो भोजन है, पहले दूसरा कोई व्यक्ति चेकिंग करके वो फिर उनके पास खाने को देगा। तो पहले राजा लोग भी तो सीधे भोजन नहीं करते थे, वो अनेक प्रकार मतलब परीक्षण होता था। तो एक परीक्षण की एक प्रक्रिया में चकोर पक्षी, उसको रखते थे सामने, अगर भोजन में विष मिला हुआ है तो चकोर पक्षी की आंख लाल हो जाती है और यहाँ आएगा कि आंख बंद कर लेता है, ऐसा यहाँ टिप्पणी में दे रहे हैं। कई दूसरी जगह ये भी पढ़ा हो कि उसकी पक्षी की आंख लाल हो जाती, आंख लाल हो जाएगी तो राजा भोजन नहीं करेंगे कि भाई इसमें विष मिला हुआ है। तो जैसे चकोर पक्षी की सन्निधि मात्र से राजा की भोजन में प्रवृत्ति हो गई, भोजन में प्रवृत्ति में वह चकोर पक्षी निमित्त मात्र है, इसी प्रकार जो विविक्त नित्य चित्त स्वरूप है आत्मा, वह मन आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति में निमित्त मात्र है। देखिए इसको दिखा रहे टीका में अंतिम पंक्ति देख लीजिए, विषय विषयों से की तरफ आत्मा भेजता है, शिष्यादि के समान नहीं भेजता है वैसे, बल्कि निमित्त मात्र होता है। विषय व्यति विषय ग्रहणार्थम नित्य चिकित्सायाम अधिष्ठातुस चकोरस्य, विषय ग्रहण के लिए जो नित्य चिकित्सा में अधिष्ठाता है, नियामक है, चकोर नाम का पक्षी, तो उसकी सन्निधि मात्रेण, चकोरस सन्निधि मात्रेण यथा राज भोजनादि प्रवृत्ति निमित्तत्व, उसकी सन्निधि मात्र से राजा के भोजन आदि में प्रवृत्ति का निमित्त बन गया वह चकोर पक्षी सन्निधि मात्र से। तद्वत इसी प्रकार आत्मा की सन्निधि मात्र से ही सभी इंद्रियां प्रवृत्त हो रही है, यही प्रवृत्ति में निमित्त बन गए। टीका में देख लीजिए, ये पिछले पृष्ठ पे 7 नंबर टिप्पणी में भी दिया है उस बात को, 7 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हैं। 7 नंबर टिप्पणी देखिए पेज नंबर 15 पे, नित्य चिकित्सा मतलब क्षुद व्याधि प्रतिकार रूपा, नित्य जो है चिकित्सा है क्षुधा रूपी व्याधि, उसका प्रतिकार करना, भोजन करना, प्रतिकार रूपा भुक्ति, भुक्ति यानी भोजन, तत्र प्रवृत्त्या प्रवृत्ति नियामकत्वाद अधिष्ठाता चकोरा, उस भोजन में प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का नियामक है अधिष्ठाता चकोर पक्षी, नियामक होने से अधिष्ठाता है, नियामक बन गया, प्रेरक बन गया चकोर पक्षी, निमित्त बन गया चकोर पक्षी। सही भुक्ति समये सन्निहित, भोजन के समय सन्निहित पास में रखा जाएगा,
तो सविशान उपस्थिति मात्रेण नेत्रे निमीलयति, विष से विशिष्ट अन्न की उपस्थिति मात्र से वह आंख बंद कर लेता है, नेत्रे निमीलयति। नान्यथा कि अगर वो विष से युक्त नहीं है तो तब आंख नहीं बंद करेगा, विष से युक्त है तो आंख बंद कर लेगा। तेन परीक्ष राजो राज्यो भोजने प्रवृत्ति, इस तरह से परीक्षा करके राजा की जैसे भोजन में प्रवृत्ति हो जाती है। इति आशय न व्याचष्टे नित्य, इसी आशय से ऊपर व्याख्या की गई। तो नित्य चिकित्सा अधिष्ठाता जो चकोर पक्षी के समान आत्मा इंद्रियों की प्रवृत्ति में निमित्त मात्र है, सन्निधि मात्र से निमित्त बन गए। ते जो मंत्र में आया था केन इसितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम, तो पहले मन का तो हो गया, इसके बाद आया केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त, किसके द्वारा जो है प्राण सबसे पहले प्रयति गच्छति युक्त, युक्त नियुक्त होकर के विषयों में जाता है। यहाँ प्राण शब्द से किसको लेना है, प्राण इति नासिका भव, प्राण शब्द से नासिका में होने वाले घ्राण इंद्री को लेना है, मुख्य प्राण को नहीं लेना, घ्राण इंद्री को लेना, क्योंकि प्रकरणात इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है। पहले मन को बताए है, आगे जो है चक्षु को बताएंगे, है ना, श्रोत्र को बताएंगे, तो इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्राण शब्द से नासिका में होने वाला घ्राण रूपी इंद्री को ले लेना। प्रकरणात का अर्थ कर दिए टीका में करण सन्निधानात, इंद्रियों की सन्निधि है, इसलिए वहां प्राण शब्द से घ्राण इंद्री लेना। प्रथमत्वम चलन क्रियाया प्राण निमित्तत्वात्, प्राण चलन क्रिया में जो सबसे प्रथमत्व है, प्राधान्य है प्राण को लेकर के, यहां जो दिया प्रथमत्व प्राण निमित्तक, मतलब प्राण और घ्राण दोनों के एक करके, एक नंबर टिप्पणी में इसलिए दे दी, घ्राण प्राणो एकीकृत्या प्रथमत्वम इत्यादि, यानी प्रथमत्व यानी प्राधान्य, सबसे पहले प्राण का ही चलन क्रिया प्राण को लेके होती, तो सबसे पहले कैसे जो है किसके द्वारा प्रेरित हो करके, हाँ तो वहाँ पे चलता है प्राण, चलता है प्रकाशन पहले जाता है प्रथमा, इसलिए प्रथमा दे दिए, तो प्रथमा विशेषण क्यों दिए, क्योंकि जो है चलन क्रिया प्राण निमित्तक है, त्या घ्राण और प्राण दोनों को लेकर के एक करके, क्योंकि प्राण का अर्थ घ्राण की है, लेकिन चलन क्रिया में पहला निमित्त जो है सबसे पहले प्राण निमित्तक होती है, तो घ्राण और प्राण दोनों के एक करके यहाँ दिया गया। स्वतो विषयावभास मात्रम करणानांग प्रवृत्ति ही, स्वतः यानी प्राण के उपकार के बिना विषयों का प्रकाशन कर देना, यह इंद्रियों की प्रवृत्ति है, ये इंद्रियों की प्रवृत्ति होती। चली क्रिया तो प्राण से मन आदिशु, किंतु चलन आदि क्रिया तो मन आदि में प्राण की है, कोई भी कर्म इंद्रिय है, कुछ भी है शरीर में चलन हो रहा है प्राण को लेकर के, तस्मात् प्राथम्यम प्राणस्य, इसलिए प्राण में प्राथम्य है, प्रथमत्व है, सबसे प्रथम वही है। तो प्रयति मतलब गच्छति युक्ता प्रयुक्त, प्रेरित होकर के जाता है। वाचो वदनम किम निमित्तम प्राणिना, इसी प्रकार प्रश्न पूछा तो केन ऐसिताम वाचम इमाम वदंती, वो जो आया था पेज नंबर 10 पे वो मंत्र है, तो वाचो वदनम किम निमित्तम प्राणिना, प्राणियों की वाणी का जो बोलना है किस निमित्तक है, और चक्षु श्रोत्रयो को देव प्रयोग, श्रोत्रयोश्च को देव प्रयोक्ता, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय में कौन सा देव जो है स्वयं प्रकाश है वो प्रयोक्ता है। कर्णानाम अधिष्ठाता चेतनावान यह स किम विशेषण इत्यर्थ, तो इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, प्रेरक है, नियामक है, निमित्त बन रहा है इंद्रियों की प्रवृत्ति का, ऐसा जो जड़ तो नहीं हो सकता, कौन चेतना वाला है, जो चेतना वाला जो भी है स किम विशेषणा, वह किस विशेषण वाला है, किन विशेषणों के द्वारा, किन व्यावर्तक धर्मों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, ये बता दिया। इस तरह से प्रथम मंत्र पूरा हुआ।
द्वितीय मंत्र तो अभी ये 16 नंबर पेज पे ही आया है। तो इसका आचार्य ने उत्तर दिया शिष्य के लिए, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम सहु प्राणस्य प्राणस चक्षुषस चक्षु। वह श्रोत्र इंद्रिय का भी श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र में भी शब्द प्रकाशन का निमित्त है, मन का भी मन है, मन में भी मनन शक्ति देने वाला है, वाणी का भी वाणी, वाणी में बोलने का सामर्थ्य देने वाला है, प्राण यानी घ्राण, घ्राण में भी गंध प्रकाशन का सामर्थ्य देने वाला, चक्षु में भी रूप रूप प्रकाशन का सामर्थ्य देने वाला। ऐसा जो तत्व है उसको जान करके अतिमुच्य धीरा धीर लोग, इस शरीर आदि से हम मम भाव को छोड़ करके, को जान करके सब जो है हम मम भाव इत्यादि छोड़ करके अस्मात् लोकात् प्रेति इस शरीर आदि से मर करके अमृत हो जाते हैं, अमर अमर हो जाते हैं। ये उत्तर दिए है। तो पहले तो इसका पद भाष्य में व्याख्या हुई थी, यहाँ भी देखिए अब व्याख्या कर रहे हैं, कुछ विशेष बातें बताएंगे। भाष्य देखो प्रति टीका में, अच्छा पहले पहले एक पंक्ति देखिए भाष्य में, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। श्रोत्र से श्रोत्र में जो उत्तर है निर्विशेष में निमित्तत्व का बोधक उत्तर है, निर्विशेष ही निमित्त बन रहा इंद्रियों की प्रवृत्ति का, इस या जो है बोध कराने वाला यह उत्तर है। टीका में देख लीजिए, प्रतिवचन वाक्यार्थ संग्रह विवरण होती है, जो पहली पंक्ति आई है द्वितीय मंत्र की व्याख्या रूप से, इसको ये संग्रह भाष्य है। तो प्रतिवचन यानी उत्तर वाक्य जो आया उसके अर्थ के संग्रह का विवरण कर रहे हैं। देख लीजिए आगे भाष्य में, विक्रियादि इत्यादि न, विक्रिया इत्यादि न, तो विक्रियादि विशेष रहितस्य आत्मनो, जो आत्मा विक्रिया आदि विशेष से रहित है ऐसे आत्मा का मन आदि प्रवृत्त निमित्तत्व, मन आदि की प्रवृत्ति में वह निमित्त निमित्त है, स्वयं विक्रिया से रहित है तो भी मन आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त है आत्मा। इत्येतत् श्रोतस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनस्य अर्थ, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि जो प्रतिवचन है जो द्वितीय मंत्र में बताया पेज नंबर 16 पे आए, इस उत्तर प्रतिवचन नहीं उत्तर, उत्तर का यही अर्थ है कि विक्रियादि विशेष से रहित जो आत्मा है मन आदि की प्रवृत्ति में निमित्त है, ये बात वहां दिखाई गई उत्तर में। टीका में देख लीजिए, मन आदिनाम यह प्रवर्तक, मन आदि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति का जनक है चैतन्य, स किम विशेष, वह किस विशेषता वाला है इति प्रश्नस्य, ऐसा जो प्रश्न किए है इस प्रश्न का निर्विशेषता एव विशेष इति उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि उसमें क्या विशेष है, बोले वो निर्विशेष होना यही उसमें विशेष है। भाई पूरे संसार के जितने भी कोई वस्तु है सब सब विशेष है, और आत्मा को हम किस रूप में जाने, बोले आत्मा निर्विशेष है, यही आत्मा में विशेष हो गया को निर्विशेष है, बाकी संसार की कोई वस्तु है सब सब विशेष है, कुछ न कुछ विशेष विशेष धर्म है लेकिन आत्मा में कोई विशेष नहीं, यही आत्मा में विशेष है, विशेषता नहीं होना यही आत्मा में विशेष है, ये उत्तर हो गया। देखो आगे दे रहे, क्रिया या गुणस्य संबंधस्य वा विशेषस्य व्यावर्तक धर्मस्य दर्शयितुम अशक्यत्वात्। देखिए कोई न कोई विशेषण दे करके, विशेषण का मतलब है व्यावर्तक धर्म यानी दूसरे से अलग दिखाने वाला धर्म, तो क्रिया भी होती है। जैसे देवदत्त क्या करता है, बोले देवदत्त भोजन पकाता है, देवदत्त गाड़ी चलाता है, तो ये क्रिया के द्वारा मालूम अलग करके दिखा दिया गया कि देवदत्त गाड़ी चलाने वाहन चलाने वाला है अथवा तो भोजन पकाने वाला, तो क्रिया को लेकर के अलग करके दिखा दिया गया। गुण को लेकर के बोले जो गौर वर्ण का है अथवा तो जो लंबा है, तो गुण को लेकर के भी अलग करके दिखाया जाता है, विशेषता दिखा करके वो अलग किया करके दिखा। और संबंध को लेकर बोले राजा का पुत्र है,
राजपुत्र है अथवा अन्य कोई कोई बोले शिक्षक शिक्षक का पुत्र है, इस तरह से संबंध है जो है, संबंध को लेकर के भी अलग करके दिखाया जाता है। तो क्रिया या गुणस्य संबंधस्य वा विशेषस्य व्यावर्तक धर्मस्य, ऐसा जो क्रिया गुण अथवा संबंध रूपी जो विशेष है व्यावर्तक धर्म है उसको दर्श हेतु अशक्यत्वात्, ऐसे विशेष को आत्मा में नहीं दिया जा सकता, आत्मा में नहीं दिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्रियादिमत्वे घटादिवद अनात्मत्व प्रसंगात, आत्मा में अगर क्रियादिमत्ता मानोगे, आत्मा क्रियादिमान है ऐसा मानोगे तो घट आदि के समान अनात्मा हो जाएगा। अतो निर्विशेष चैतन्यात्मको हम, इसलिए आत्मा में कोई विशेषता नहीं, आत्मा निर्विशेष है। तो निर्विशेष चैतन्यात्मक हूँ मैं इत्येवं ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, ब्रह्म आत्मा निर्विशेष है, वही निर्विशेष चैतन्य मैं हूँ, ये जो ज्ञान है यही सम्यक ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। न च अभावे न सद्वैत प्रसंग, फिर बोले अगर अभाव निर्विशेषता मतलब विशेषता का अभाव, आत्मा में कोई विशेषता नहीं रही तो भी विशेषता का अभाव तो रह गए, अभाव को लेकर के द्वैत द्वैतापत्ति हो जाएगी, एक आत्मा और एक विशेषता का अभाव। ये जो विशेषता का अभाव निर्विशेष निर्विशेष निर्विशेषता मतलब विशेष का अभाव, ये जो विशेष का अभाव है आत्मा में कोई धर्म है क्या? अगर अलग से अभाव को धर्म मानोगे तब तो जो है द्वैतापत्ति हो जाएगी। न च अभावे न सद्वैत प्रसंग, बोले अभाव को लेकर के द्वैतापत्ति हो जाएगी, एक आत्मा हो गया और एक दूसरा हो गया आत्मा में विशेषता का अभाव, इसी को लेकर के द्वैत हो जाएगा। देखो इसको 5 नंबर टिप्पणी में दिए, ननु चैतन्य निर्विशेषत्वम नाम विशेषणाभाव, चैतन्य में निशेष निर्विशेषता का क्या मतलब है? विशेष का अभाव होना यही निर्विशेष हो गया। जैसे निर्धन है, कोई आदमी बोले आदमी निर्धन है, निर्धन है मतलब उसके पास धन नहीं है, धन का अभाव है। आत्मा में निर्विशेषता मतलब विशेष का अभाव है। तथा च तमेव अभाव मादाय तस्य सद्वयत्वम, तब तो उसी अभाव को लेकर के आत्मा सद्व द्वैत द्वैतापत्ति हो गई, एक आत्मा हो गया और एक अभाव हो गया, द्वैतापत्ति हो जाएगी। इत्याशंक्य निरस्यति, ऐसी आशंका को उत्थापन करके उस शंका का निराकरण करें। न च अभावे न सद्वैत प्रसंग, निर्विशेषता यानी विशेष का अभाव इसको लेकर के द्वैतापत्ति ऐसा नहीं दीति, न च ऐसा मत कहना। क्यों? क्योंकि तस्य पृथक सत्वाभावात्, तस्य यानी अभावस्य, वो जो अभाव है वेदांती और मीमांसक लोग अभाव को अधिकरण से अलग नहीं मानते। तार्किक लोग नैयायिक लोग 7 पदार्थ मानते हैं, उसमें अभाव को भी एक अलग पदार्थ मानते हैं, है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, तो 7 पदार्थ वो लोग मानते हैं, तो उसमें से अभाव भी एक अलग से पदार्थ है। लेकिन वेदांत मत में और मीमांसा मीमांसक मत में अभाव को अधिकरण से अतिरिक्त नहीं माना जाता, इसी बात को यहाँ दिखा रहे हैं। तस्य पृथक सत्वाभावात्, तस्य यानी अभावस्य, वो जो अभाव है उसकी पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए स्वरूपेण व्यवहारांगत्वात्, स्वरूपेण स्वरूप स्वरूप वो अभाव क्या है, वो अधिकरण स्वरूप है, स्वरूप को लेकर के ही व्यवहार हो जाएगा, कल्पित स्वरूप, अधिकरण स्वरूप मतलब अधिकरण से तो अलग नहीं है, तो भी एक कल्पित स्वरूप मान करके वो व्यवहार हो जाता है, कल्पित पदार्थ को लेकर के भी व्यवहार हो जाता है। व्यवहार के लिए कोई सत्य वस्तु नहीं चाहिए, मरुभूमि में जो जल दिखता है वो सत्य है क्या? जल व्यवहार हो जाता है, हिरण दौड़ दौड़ के जो है पानी के पीछे दौड़ करके मर जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कल्पित से कैसे काम चलेगा, कल्पित को लेकर के भी व्यवहार हो जाता है,
इसलिए बता दिए कि स्वरूपेण व्यवहार तस्य पृथक सत्वाभावात् स्वरूपेण व्यवहारांगत्वात्, वो कल्पित स्वरूप को लेकर के ही वह अभाव व्यवहार का अंग बन जाएगा। अभाव आत्मा से अलग पदार्थ नहीं है, विशेषता विशेषता का अभाव आत्मा में कोई अलग से पदार्थ नहीं थी उक्तम। इसको थोड़ा समझने के लिए आप देख सकते हैं 6 नंबर टिप्पणी आप देख सकते हैं, तस्य अभावस्य अधिकरणात् पृथक सत्वम नास्ति। ये जो अभाव है विशेषता का अभाव, अधिकरण से उसकी पृथक सत्ता नहीं है, नास्ति चेत अधिकरण से अलग सत्ता नहीं, ऐसा सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी का यदि ऐसी सत्ता अलग से नहीं है कथम तरी घटाभावद भूतलम इत्यादि व्यवहार, फिर कैसे व्यवहार करते एक भूतल घटाभाव वाला है। तत्र इस विषय में बताते स्वरूपेण व्यवहाराय तो तत्स्वरूपम कल्प्यते, बोले व्यवहार के लिए उसके स्वरूप की कल्पना एक कर ली जाती, कल्पित स्वरूप। कल्पिते नापि स्वरूपेण व्यवहारोपपत्ते रीति भाव, कल्पित स्वरूप से भी व्यवहार संभव है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि अलग अभाव मानेंगे तो द्वैतापत्ति होगी, भाई कल्पित व्यवहार कल्पित को लेकर के अभाव अधिकरण सत्र अतिरिक्त नहीं है, और कल्पित स्वरूप को लेकर के अलग से भी व्यवहार हो जाता है। भूतल में घट है क्या, नहीं घट का अभाव है, अलग नहीं है तो भी कल्पित को लेकर के व्यवहार हो जाए। इति उक्तम अन्यत्र, इस बात को भाष्य वार्तिक आदि में विस्तार से बताया गया है। तो आगे देखिए टीका में आगे, आगे टीका में अंतिम पंक्ति, यदि शौक्लादिवत कोपि विशेषो अभविष्यत्, जैसे शुक्लादि रूप है कपड़े में, सुख शुक्ल रूप है, अन्यत्र जो है कोई कोई अन्य पीत रूप है, किसी पुष्प में पीत रूप है, किसी में रक्त रूप है, तो शौक्लादिवत कोपि विशेषो यदि अभविष्यत, यदि शुक्लादि रूप के समान कोई भी विशेष आत्मा में होता तदा तमा वक्षत, तब तो उसको श्रुति में कहा जाना चाहिए था, लेकिन श्रुति में कहीं पे भी आत्मा में विशेषता नहीं बताई गई है। जहाँ शुद्ध का निरूपण किया गया है उपासना के प्रकरण में जो धर्म बताए गए हैं वो तो आरोप करके उपासना के लिए बताए गए, वहाँ वास्तविक नहीं है, लेकिन शुद्ध का जहाँ तात्पर्य भाव से निरूपण किया गया है कोई भी विशेष श्रुति के द्वारा नहीं बताया गया। सब निषेध ही अस्थूला मन अड़ु अहरस्वम अदीर्घम, सब निषेध करके बताया गया, इसलिए आत्मा में कोई विशेषता नहीं है। अगर होता विशेषता होती तो श्रुति के को कहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए आगे पेज नंबर 19, श्रुतिस्तु उपलक्षण वृत्तिया एवं प्रतिवचनम ब्रुवाणा। देखो श्रुति जो है उपलक्षण वृत्ति के द्वारा प्रतिवचन, जैसे उपलक्षण भी क्या है, देवदत्त का घर, बोले देवदत्त का गृह कौन सा है, बोले जो काक काकवत देवदत्त से गृह, जिस घर के ऊपर काक कौआ बैठा है, काक बैठा हो वही देवदत्त का गृह है। तो काक जो है हमेशा नहीं रहेगा, कभी चले जाएगा हट जाएगा कभी फिर आ जाएगा, तो विद्यमान नहीं होने पर भी वह अलग करके दिखाएगा कि देखो वही जो काक वाला वही घर है, इसी पे काक बैठा हुआ था। तो उपलक्षण वृत्ति के द्वारा जैसे वह गृह को अलग करके दिखा दिया, इसी प्रकार श्रुति भी उपलक्षण, पाठ ठीक नहीं होगा तो बना ले उपलक्षण नहीं उपलक्षण पूरा, श्रुतिस्तु उपलक्षण वृत्तेव प्रतिवचनम ब्रुवाणा। श्रुति उपलक्षण वृत्ति के द्वारा प्रतिवचन उत्तर को बताते हुए निर्विशेषत्वम मन्यते, आत्मा में निर्विशेषता मानती है। इति श्रुत्यक्षरानुसाराद गम्यते, आत्मा में निर्विशेषता है ये श्रुति के अक्षरों का अनुसरण करने से, तात्पर्य देखने से ये मालूम पड़ता है। इत्या अनुगमादिति, भाष्य में प्रथम पंक्ति
अनुगमात तद अनुगतानी यत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि। अनुगम यानी श्रुति के अक्षरों का उसी में समन्वय हुआ है, श्रुति निर्विशेष में ही समन्वित हो रही है। देखो तद अनुगतानी यत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि, देखो यहाँ भी संग्रह भाष्य आ गया, उसी अर्थ में ही अनुगत है श्रुति के अक्षर। श्रुति का अक्षर निर्विशेषता का ही प्रतिपादन कर रहा है। बोले कैसे आपको मालूम पड़ा? टीका में देखिए, निर्विशेषत्ववाचक पदाभावात् कथम निर्विशेषे अक्षरानुगम इत्याह। बोले यहाँ जो उत्तर दिया गया, निर्विशेषता का वाचक कोई पद तो है नहीं, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत ये सब तो आया, लेकिन कहीं ऐसा शब्द नहीं आया कि हम निर्विशेष। बोले किसके द्वारा मन आदि की प्रवृत्ति होती है? निर्विशेष के द्वारा। ऐसा निर्विशेष शब्द कहाँ आया है? नहीं आया है। यही बात सुपूर्व पक्षी पूछ रहा है, निर्विशेषत्ववाचक पदाभावात् कथम निर्विशेषे अक्षरानुगम। निर्विशेषता का वाचक कोई पद नहीं होने से निर्विशेष में अक्षरों का समन्वय हुआ है, ऐसा कैसे कह रहे हो? इत्या कथम, देखिए इसी बात को पूछ रहे, कैसे कह रहे हो? भाष्य में प्रथम पंक्ति देखिए, कैसे आप कह रहे हो श्रुति के अक्षर उसी निर्विशेष में अनुगत है? तो बता रहे हैं, देखो बताना शुरू कर रहे हैं। टीका में पहले देखिए, तृतीय पंक्ति टीका में, निर्विशेष वाचक शक्तिया वाक्यार्थत्वा भावेपी उपलक्षण वृत्तिया भविष्यति। देखो वाचक शक्ति के द्वारा कई चीजें जो है, हाँ वाचक, जैसे घट पद कहने से आपके दिमाग में घट की आकृति आ जाएगी, गौ कहने से आपके दिमाग में गौ की आकृति आ जाएगी, है ना? तो ये जो है शक्ति वृत्ति से, और कई चीजें लक्षणावृत्ति से ली जाती है, जैसे गंगा में झोपड़ी है तो वहां पे लक्षणावृत्ति से गंगा का अर्थ ले लेंगे तीर, क्योंकि गंगा पद का अर्थ प्रवाह है, प्रवाह को ले नहीं सकते उस, वहां झोपड़ी हो नहीं सकती, तो तीर लेना पड़ता है। और कहीं कहीं उपलक्षण वृत्तिया, उपलक्षण के द्वारा, जैसे बता दिए कौवे वाला देवदत्त का घर है, इसी प्रकार जो बोलते हैं जो पूरे संसार की उत्पत्ति करे, जो संसार का पालन करे, जो संसार का संहार करे, वही ब्रह्म है, ये देखो उपलक्षण वृत्ति से बताया जा रहा है। ये उपलक्षण है क्योंकि वो हमेशा तटस्थ लक्षण, इसीलिए माना जाता है, हमेशा संसार की सृष्टि नहीं होती, प्रलय काल में कहाँ सृष्टि होती है, इसलिए वो उपलक्षण वृत्ति, उपलक्षण माना जाता है। तो वाचक पद तो नहीं है यहाँ पे, निर्विशेष का वाचक नहीं है, निर्विशेष वाचक शक्ति के द्वारा वाक्य का तात्पर्य नहीं बन रहा है, तो भी उपलक्षण वृत्तिया, उपलक्षण वृत्ति के द्वारा वह वाक्य, वाक्य का तात्पर्य अर्थ बन जाएंगे, निर्विशेष में ही वाक्य का तात्पर्य घटित होगा। इति अभिप्रेत्य श्रोत्र शब्द से तावन मुख्यार्थम, इसी अभिप्राय से, तो यही अभिप्राय है कि उपलक्षण वृत्ति के द्वारा निर्विशेष आत्मा का बोध होगा, साक्षात शब्द के द्वारा नहीं। ते तो बता दिया पहले जो आया उत्तर दिए, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, श्रोत्रादि शब्दों का मुख्यार्थ क्या है, अब देखिए मुख्यार्थ इत्यादि की चर्चा करेंगे। भाष्य में प्रथम पंक्ति श्रृणोति इति, श्रृणोत्यनेन इति श्रोत्रम, जिसके द्वारा शब्द को सुनते हैं वह करण हो गया, वह इंद्री हो गई श्रोत्रेंद्री, और उस श्रोत्रेंद्री में क्या रहेगा? श्रोत्रत्वम, जैसे ब्राह्मण में क्या रहेगा? ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण आदि के कर्मों को करेगा तभी ब्राह्मणत्व है, सन्यासी है सन्यासी, नाम मात्र का सन्यासी नहीं, सन्यासित्व, सन्यासी में क्या है? श्रवण आदि का जो अनुष्ठान करने वाले है वही सन्यासी है, ऐसे केवल ऊपर ऊपर से तो बोले वो तो नाम मात्र के। इसी प्रकार श्रोत्र में श्रोत्रत्व क्या है? शब्द प्रकाशकत्व, जिसको जो है शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है उसको फिर कह देते देखो ये बहरा है, बहरा बधिरा, तो
श्रोत्र इंद्रिय दिखाई तो पड़ती, श्रोत्र मतलब गोलक उसका दिखाई, कान उसका दिखता है, लेकिन उसको शब्द नहीं सुनाई पड़ता। तो श्रोत्र में श्रोत्रत्व तो नहीं है, मतलब शब्द प्रकाशकत्व तो नहीं है। श्रोत्र तो जिसके द्वारा श्रवण करते हुए श्रोत्र, उस श्रोत्र में रहेगा श्रोत्रत्व। श्रोत्रत्व का मत क्या मतलब है? शब्दावभाषकत्व, शब्द का प्रकाशन करना, यही श्रोत्रत्व है। टीका में देख लीजिए, शब्दावभाषकत्व स्वशक्त्य भविष्यति श्रोत्रस्य। तो भाई शब्द का प्रकाशक श्रोत्र इंद्रिय है, अपनी शक्ति से ही शब्द का प्रकाशन कर देगा। स्वशक्त्य श्रोत्रस्य शब्दावभाषकत्व भविष्यति कथम तस्य शब्दावभाषकत्वेन आत्मा उपलक्षितव्य। श्रोत्र के सब प्रकाश से विषय जो शब्द है, उस शब्द के प्रकाशक रूप से आत्मा कैसे उपलक्षित हो रहा है, उपलक्षित किया जा रहा है। श्रोत्र स्वयं अपनी शक्ति से शब्द का प्रकाशन कर दे, आत्मा की सिद्धि फिर कैसे हो जाएगी? इत्याकांक्षाया माह, ऐसी आकांक्षा होने पर, ऐसी जिज्ञासा होने पर सिद्धांति इसको जवाब दे रहा है। देखिए बात ऐसी है, शब्दोपलब्धि रूपतया, शब्दोपलब्धि रूपतया उभासकत्व न स्वतः। देखो शब्द का जो उपलब्धा है आत्मा, उसके साथ तादात्म्य करके ही वह प्रकाशन करता है। स्वतः श्रोत्र में प्रकाशकत्व नहीं है, क्योंकि श्रोत्र से अचिद रूपत्व, श्रोत्र कोई चिद रूप चेतन नहीं है, बल्कि जड़ है, अचिद रूप है। जैसे घट आदि, घट शब्द का प्रकाशन करता है क्या? घट नहीं प्रकाशन कर पाता, क्योंकि वो जड़ है। इसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय आदि भी जड़ है। तो शब्द का जो उपलब्धा है आत्मा, वही आत्मा जो शुद्ध है, जिसमें कोई धर्म नहीं है, तो भी उपाधि के साथ जुड़ करके वह शब्द आदि का उपलब्धि करने वाला, प्रकाशन करने उपलब्धा हो गया, जानने वाला। जैसे देखिए विद्युत में, केवल विद्युत में आपको क्रिया नहीं दिखाई पड़ रही, किंतु वही विद्युत अगर पंखे में जाएगी तो क्रिया वहां दिखाई पड़ रही, वही विद्युत ट्यूबलाइट में जाएगी वहां प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार आत्मा, शुद्ध आत्मा में बिना संबंध के शब्द को जानने वाला होना, क्रिया को करने वाला होना, ये सब नहीं बन पा रहा है। तो भी जब इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ गया, शरीर इंद्रिय के साथ तादात्म्याध्यास हो गया आत्मा का, तो वही आत्मा जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, इस तरह से उपाधि के माध्यम से शब्द का उपलब्धा हो गया, रूप का उपलब्धा हो गया, रस को जानने वाला, ये सब हो गया। तो शब्दोपलब्धि रूपतया उभासकत्व न स्वतः, शब्द के उपलब्धा रूप से श्रोत्र इंद्रिय प्रकाशक है, यानी उपलब्धा आत्मा के साथ तादात्म्य कर रूप से अवभाषक है, न स्वतः, स्वतः नहीं, क्योंकि स्वतः तो जड़ है। टीका में देख लीजिए, हाँ जी बोलिए। उपलब्धि क्या क्या लेना जी? अच्छा जीव, हाँ जीव, जीव जीव ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि शुद्ध तो नहीं है ना, उपाधि से विशिष्ट हो गया ना, प्रमाता लीजिए, वही जीव हो गया, प्रमाता जीव। हाँ ठीक, देखिए आगे, शब्दोपलब्धि रूपतया, भाष्य में टीका में देखिए, शक्ति सतह प्रकाश मानस्य वाच्या। देखिए शक्ति किस में रहती है? जो सत्य यानी विद्यमान है, प्रकाशमान है, सत्ता वाला है, प्रकाश वाला है, उसी में कहना पड़ेगा। कोई वस्तु है ही नहीं, उसमें शक्ति कैसे कहोगे? दहन शक्ति तो जो दिख रही है, जो विद्यमान है अग्नि, उसी में मानना पड़ेगा। अविद्यमान में शक्ति नहीं मानी जाती, जो सत है और प्रकाशमान है होना चाहिए, और उसका प्रकाशन भी होना चाहिए, उसी में कहना पड़ेगा। ना सतो अप्रकाश मानस, जो सत नहीं है, तुच्छ है, आकाश कुसुम के समान, नर विषाणाय मानत्वेन, जो असत है, अप्रकाश मान है,
यानी जो असत तुच्छ है और जिसका ज्ञान भी नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी वस्तु तो नर विषाणाय मानत्वे ने, वो तो मनुष्य श्रृंग के समान है, इससे मनुष्य की श्रृंग कभी होती नहीं। ऐसे असत जो अप्रकाशमान है नर विषाण के समान हो जाने से शक्ति मत्वा अनुपत्ति है, उसमें शक्ति मत्ता नहीं मानी जा सकती, उसमें शक्ति नहीं मानी जा सकती। तो शक्ति किसमें मानी जाएगी, जो सत है और प्रकाशमान है, विद्यमान भी हो और प्रकाशमान भी हो। सत्ता प्रकाशस्य आत्मरूपम, सत्ता और प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि तद भेदे माना भावा, आत्मा से भिन्न सत्ता और प्रकाश होने में कोई प्रमाण नहीं है। देखिए 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए, माना भाव थी नास्मी न स्फुरामी इति प्रत्यया भाव, मैं नहीं हूँ, मेरा स्फुरण नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है, ऐसा प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि मैं हूँ, मेरा स्फुरण हो रहा है, मेरा भान हो रहा है, ते आत्मा से भिन्न सत्ता और प्रकाश नहीं है, इसमें कोई प्रमाण आपको मिलेगा नहीं। अतः उपलब्धि तादात्म्ये नैव श्रोत्रस्य अवभासकत्वम्, उपलब्धा आत्मा के साथ तादात्म्य करके ही वही शुद्ध आत्मा तो कैसे प्रकाशन करेगा, वही श्रोत्र आदि इंद्रियों से विशिष्ट हो गया, उपलब्धा हो गया, तो उपलब्धा का श्रोत्र आदि के साथ तादात्म्य है, बिना श्रोत्र आदि के साथ जुड़े हुए वह शब्द का प्रकाशन करेगा नहीं, तो श्रोत्र आदि इंद्रिया भी उस प्रकाशक आत्मा के साथ तादात्म्यापन है। इसलिए अध्यास भाष में आप देखेंगे कि जब तक जो है शरीर आदि में हम ममा अभिमान नहीं करता, तब तक जो है कोई लौकिक प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। नहीं देहे न कश्चित व्याप्रियते, मम हम ममाभिमान रहित देह, देह के द्वारा कहीं कोई व्यापार होता है क्या, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। इसलिए श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों से जुड़ करके वह जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, ये सब बन गया। तो श्रोत्र आदि का भी उसके साथ तादात्म्य है, उपलब्धा आत्मा के साथ, उसी के साथ तादात्म्य, अध्यास होकर के तो ये सब भाव आ रहे, इसलिए श्रोत्र आदि के साथ भी उस आत्मा का तादात्म्य। अतः उपलब्धि तादात्म्ये नैव श्रोत्रस्य अवभासकत्वं न स्वातंत्र्येण, उपलब्धा आत्मा के साथ तादात्म्य रूप से ही श्रोत्र प्रकाशक है शब्द का, स्वतंत्र रूप से नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र, वो तो जड़ है, जड़ से च सत्ता ही नत्वात्, जड़ तो सत्ता से ही नहीं, क्योंकि जो जो जड़ है वह उसकी में अपनी सत्ता नहीं होती, जो जो दृश्य है जड़ है अपनी सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से सत्तावान मालूम पड़े, सुक्ति रूप्य से, जैसे सुक्ति में दिखने वाला रजत उसकी अपनी सत्ता नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता से वहाँ सत्ता मालूम पड़ती है। तो जड़ पदार्थ की इसी प्रकार अपनी खुद की सत्ता नहीं है। इत्यर्थ श्रोत्रस्य अवभासकत्वम उपलब्धि तादात्म्ये नैति, यदि उपलब्धा उपलक्षते तरी उपलब्धुरपि अवभासकत्वम अन्याधीन, श्रोत्र में जो अवभासकत्व है यानी शब्द का प्रकाशकत्व आया, श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द का जो प्रकाशन किया, स्वयं तो उसमें आया नहीं क्योंकि जड़ है, उपलब्धि तादात्म्य उपलब्धा के साथ तादात्म्य करके, उपलब्धा आत्मा के साथ जुड़ तादात्म्य हो करके ही श्रोत्र में अवभासकत्व आया, शब्द का प्रकाशन करना ऐसा आया। यदि ऐसा कहोगे इसलिए, तो जिस चैतन्य के साथ तादात्म्य होकर के श्रोत्र इंद्रिय शब्द का प्रकाशन कर रही है, वही आत्मा, वही आत्मा है, वही हमारी आत्मा है। तो तादात्म्य नीति यदि उपलब्धा उपलक्षित, तो उपलब्धा किस रूप से उपलक्षित हो रहा है, तो श्रोत्र में जिसके तादात्म्य से शब्द का प्रकाशकत्व आया वही उपलब्धा है, इस तरह से लक्षित हो रहा है। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, तरही यानी तब तो श्रोत्र में स्वयं प्रकाशकत्व तो नहीं है, आत्मा से प्रकाशकत्व आया, तो आत्मा में प्रकाशकत्व तो कहां से आया, वह भी किसी तीसरे से मानो। जैसे श्रोत्र में स्वयं प्रकाशकत्व तो नहीं, शब्द का प्रकाशन करना ये नहीं है,
बल्कि आत्मा से आए। आत्मा में कहाँ से आए बताओ, आत्मा में भी कहीं किसी तीसरे जगह से आया होगा। तरी उपलब्धूर अपि अवभाषकत्वम अन्याधीनम, तब तो जो उपलब्धा आत्मा है उसमें शब्द का प्रकाशन करना यह अन्य के अधीन होगा, और फिर उसमें तीसरे वाले में प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ आया, चौथे से आया, चौथे वाले में प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ से आया, पांचवें में आया। इति अनवस्था प्राप्त होती, इस तरह से अनवस्था, कहीं रुकने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। आप प्रामाणिक की परंपरा चल पड़े जिसका कोई प्रमाण नहीं, अनवस्था प्राप्त होगी इत्याशंका। इसलिए श्रोत्र में ही अपना सामर्थ्य मान लो, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोल रहे नहीं, आत्मा में अन्य के अधीन आत्मनश्च चिद रूपत्वात्। श्रोत्र जड़ है इसलिए स्वयं प्रकाशन नहीं कर सकता, आत्मा के अधीन शब्द प्रकाशन सामर्थ्य है श्रोत्र का, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा चेतन है। भाष्य में इसीलिए अंतिम पंक्ति में दी आत्मनश्च चिद रूपत्वात्, आत्मा तो चैतन्य रूप है इसलिए उसे सत्ता और प्रकाश के लिए किसी दूसरे के अधीनता उसमें नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है। ठीक है, मैं आगे दे स्वप्रकाशत्वात् उपलब्धुः सत्ता प्रतीत्योर अनन्यायत्वात्। उपलब्धा जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है, इसलिए सत्ता और प्रतीति में अन्य के अधीन नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगी, न अनवस्था इत्यर्थ। नहीं मतलब आप ले लीजिए कि नहीं आत्मा, यहाँ तो आत्मा तो शुद्ध कर दिए है, आत्मा तो चिद रूप है, किंतु देखिए क्या है ना कि भाई आत्मा शरीर इंद्री से जुड़ करके ही उपलब्धा आदि भाव आ रहा है, तो स्वयं आत्मा तो चिद रूप है और श्रोत्र आदि के साथ जुड़ करके वही शब्द को जानने वाला, रूप को जानने वाला बन रहा है, तो स्वयं आत्मा चिद रूप है, ऐसा शुद्ध आत्मा चिद रूप है। इसलिए अन्यत्र कहीं आप विचारो ऊपर के ग्रंथों में कि विशिष्ट रूप से अगर देखो तो विशिष्ट भी जड़ बन गया, विशिष्ट भी वो जड़ ही है, इसलिए वो शुद्ध। अब देखिए जीव, जीव का इसीलिए आप पंचदशी आदि में आप देखेंगे कि जीव किसे कहते हैं, तो आए बताएंगे भाई शुद्ध चैतन्य, अंतःकरण और चिदाभास, तीनों को मिला के जीव कहें। केवल चिदाभास जीव नहीं, चिदाभास जैसे अंतःकरण जड़ है, अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वह भी जड़ है, इसलिए सामान्य चैतन्य को भी वहां लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे आत्मा यानी आत्मा चैतन्य है, चिद्रूप है और शरीर आदि से जुड़ करके उसमें उपलब्धापना आता है, बस इस तरह से समझिए। देखिए आगे टीका में, हाँ जी बोलिए। क्या करें, त्रिपुटी होने के कारण, नहीं चिदाभास तो वो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगा, चिदाभास कहते हैं, अंतःकरण प्रतिबिंबित हुए तो चिदाभास हो गए। चलिए देखिए, हाँ त्रिपुटी मतलब त्रिपुटी तो है कि एक एक क्रिया को लेकर के त्रिपुटी हो जाती है। जैसे देखिए रूप, रूप देख रहे हैं आप, जैसे रूप देखे तो आप हो गए रूप देखने वाले, रूप देखना एक क्रिया हो गई, और जिसको आप देख रहे हो दृश्य हो गया, दृष्टा दृश्य दर्शन, तो एक अलग अलग क्रिया को लेकर के त्रिपुटी हो जाता है। हाँ चलिए देखिए आगे, तथापि कथम श्रोत्र से श्रोत्रम इति आत्मा उच्यते। बोले चलो ठीक है, अनवस्था तो नहीं है, हमने मान लिया कि अनवस्था भवत एवं अनवस्था भाव। देखिए टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति आप देख लीजिए, भवत एवं अनवस्था भाव, चलो ठीक है इस तरह से अनवस्था नहीं है हम मान लिए, तथापि कथम श्रोत्र से श्रोत्रम इति आत्मा उच्यते। फिर भी ये जो उत्तर दिया आचार्य ने कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, बुद्धि का बुद्धि है, इस उत्तर से आत्मा कैसे कहा गया, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रहा। श्रोत्रम श्रोत्र से आत्मा कैसे कहा जा रहा है, इत्याशंक्या।
इस आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे। देखिए भाष्य में अंतिम पंक्ति, यत् श्रोत्रस्य उपलब्धित्वेन अवभासकत्वं तद् आत्मनिमित्तत्वात्। श्रोत्र में जो उपलब्धा रूप से प्रकाशकत्व आया, तो श्रोत्र में अपना है क्या सामर्थ्य? तीन नंबर टिप्पणी में दे दिया उपलब्धित्व, उपलब्धि विधेय, उपलब्धि उपलब्धा रूप से जो श्रोत्र प्रकाशन कर रहा है विषय का, तो श्रोत्र तो जड़ है, उपलब्धा रूप से कैसे प्रकाशन करेगा? इसलिए आत्मनिमित्तक ही उपलब्धा रूप से शब्द का प्रकाशन श्रोत्र में घटेगा। आत्मा निमित्त नहीं बनेगा तो उपलब्धि रूप से श्रोत्र में शब्द का प्रकाशन क्रिया नहीं बन पाएगी। यह श्रोत्र से उपलब्धित्वेन अवभासकत्वं तत् आत्मनिमित्तत्वात्। श्रोत्र में जो उपलब्धा रूप से प्रकाशकत्व आया आत्मरूपी निमित्त को लेकर के है, इसलिए श्रोत्र से श्रोत्र, इसीलिए आत्मा को कह दिया कि श्रोत्र से श्रोत्र, श्रोत्र में भी शब्द प्रकाशन का जो निमित्त है वही श्रोत्र से श्रोत्र इति उच्यते, उसी कह दिए श्रोत्र से श्रोत्र। टीका में देख लीजिए अंतिम पंक्ति पेज नंबर 19 में, तथापि तस्य आत्मनिमित्तत्व, तस्य से लेना शब्दावभाषकत्व से, शब्द का प्रकाशन आत्मनिमित्तक है, निमित्त आत्मनिमित्तक होने से श्रोत्र से श्रोत्रम इति उपलक्ष्यते निर्विशेषम चैतन्य मात्रम इत्यर्थ। तो तात्पर्य क्या निकला कि शब्द का प्रकाशन आत्मनिमित्तक होने की वजह से श्रोत्र से श्रोत्रम इस उत्तर के द्वारा निर्विशेष चैतन्य उपलक्षित हुआ, ये समझना चाहिए इत्यर्थ, यही तात्पर्य है, यही तात्पर्य यहां बताया गया। अब उदाहरण दे रहे भाष्य में, यथा छत्र से छत्रम, छत्री का छत्री कौन है? छत्री के ऊपर भी जो शासन करने वाला वह धर्म, धर्म देखो आप बृहदारण्य देखेंगे कि परमात्मा ने जो है पहले सभी जातियों को बनाया, ब्राह्मण को भी बनाया, बोले ब्राह्मण अगर कुछ पाप करेगा तो ब्राह्मण के ऊपर कौन शासन करेगा, ब्राह्मण को भी नियम में कौन रखेगा, तो छत्री राजा। अच्छा राजा छत्री अगर पाप करेगा तो कौन उसके ऊपर शासन करेगा, तो धर्म। बृहदारण्यक में सब प्रकरण आया आप देखेंगे, तो छत्री के ऊपर भी नियमन करने वाला है धर्म, अगर धर्म से रहित हो जाएगा, जैसे राजा वेन आदि का आप सुने हैं, वेन जब अधर्म करने लग गया तो सभी ऋषियों ने उसके हुंकार मार करके उसको मार दिया क्योंकि धर्म से रहित हो गया, और फिर उसके हाथ आदि का मंथन किए, फिर पृथु आदि उत्पन्न हुए, ये सब घटना पुराणों में आती है। तो छत्र, छत्र का जो छत्र है यानी छत्री का भी जो नियामक है, इसी प्रकार यहाँ पे आ गया। चलो अब यहाँ से, तो हम कल अष्टमी है, परसों कल अनध्याय रहेगा, परसों करेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।